नमस्कार दोस्तों मेरा नाम संजय कुमार है मैं सिविल इंजीनियर हूं मैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करवाता हूं मैं आप लोगों को बिल्डिंग ड्राइंग के बारे में बताने जा रहा हूं हाउ टू रीड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग दोस्तों आज का टॉपिक है डिटेल्स ऑफ फुटिंग एंड कॉलम तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम टिपिकल आइसोलेटेड फुटिंग प्लान फिर सेक्शन ड्रॉइंग फिर टिपिकल कॉलम एलिवेशन ठीक है तो चलिए बात करते हैं टिपिकल आइसोलेटेड फुटिंग प्लान के बारे में ये जो हमारा ड्राइंग जो आप देख पा रहे हैं ये फुटिंग का ड्राइंग है और इसमें एल एक्स एल वाई बी एक्स एंड बी वाई डायमेंशन मेंशन है ठीक है एल वाई कहने का मतलब है लेंथ इन वाई डायरेक्शन एल एक्स कहने का मतलब है लेंथ इन एक्स डायरेक्शन ठीक है अब बी एक्स बी वाई का क्या मतलब है बी एक्स कहने का मतलब है बार इन एक्स डायरेक्शन बी वाई का मतलब है बार इन वाई डायरेक्शन ठीक है इस साइड में बी एक्स क्यों लिखा गया है और इस साइड में बी वाई क्यों लिखा गया है कन्फ्यूजन में नहीं रहना है ठीक है बी एक्स कहने का मतलब बार जो यूज करेंगे जो हमारा बार रेनफोर्समेंट जो यूज होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो जो हम जो लेंग करेंगे वो एक डायरेक्शन में करेंगे ठीक है उसका स्पेसिंग मेंशन है जितना भी जो भी स्पेसिंग होगा उस स्पेसिंग पे हम ये बार एक्स डायरेक्शन पे लेंग करेंगे इसीलिए इसे बी एक्स ए साइड में लिखा गया है ठीक है बी वाई बी वाई कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक जो रेनफोर्समेंट जो यूज करेंगे हम जो लेंथ इस लेंथ का जो रेनफोर्समेंट जो यूज करेंगे वो हमारा वाई डायरेक्शन पे होगा ठीक है इसीलिए हम ये साइड में बार इन वाई डायरेक्शन बी एक्स यहाँ पर लिखे हैं ठीक है ये समझ में आ गया अब ये एल वाई एल एक्स बी वाई और बी एक्स क्या है ये हम ये टेबुलर फॉर्मेट से जानेंगे जैसे कि एल एक्स एल वाई जो है वो डायमेंसन है इन एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में ठीक है मैंने अभी आप लोगों को बताया बी एक्स जो है मेन बार और बी वाई जो है क्रॉस बार मेन बार जो होगा वो एक्स डायरेक्शन में होगा क्रॉस बार जो होगा वाई डायरेक्शन में होगा ठीक है एल एक्स एफ वन एफ टू एफ थ्री ये फुटिंग को शो कर रहा है जो भी हमारा फाउंडेशन प्लान जो मैं आप लोगों को बताया हूँ उसमें थ्री टाइप का फुटिंग है एफ़ वन एफ टू और एफ थ्री ठीक है अब एफ वन में एल एक्स का डायमेंशन बाईस सौ एम एम एल वाई सताइस सौ एम एम होगा ठीक है एफ़ टू में एल एक्स का डायमेंशन जो है वो दो हजार और एल वाई तेईस सौ एम एम का होगा ठीक है एफ़ थ्री में एल एक्स जो होगा सोलह सौ एम एम का एल वाई उन्नीस सौ एम का होगा ठीक है बी एक्स मेन बार बार जो यूज करेंगे एक्स डायरेक्शन में वो क्या होगा ट्वेल्व एम mm का बार होगा और उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा एक सौ सत्तर एम ठीक है ये फुटिंग वन में होगा मेन बार और क्रॉस बार वाई डायरेक्शन में जो यूज करेंगे वो ट्वेंटी एम mm का होगा और स्पेसिंग 170 सौ सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये फोर्टिंग वन के लिए फोर्टिंग टू के लिए बी एक्स का वैल्यू क्या होगा ट्वेल्व एम एम का एनफोर्समेंट यूज करेंगे और उसका स्पेसिंग होगा वन एटी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्रॉस बार बी एक्स जो यूज करेंगे वो ट्वेंटी टूवेल्व एम एम का होगा और उसका स्पेसिंग वन एटी एम एम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ठीक है एफ थ्री के लिए मेन बार जो यूज करेंगे बी एक्स एक्स डायरेक्शन में ट्वेल्व एम एम का होगा और उसका स्पेसिंग होगा 200 हंड्रेड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ठीक है सी स्लैश सी का मतलब होता center center, है सेंटर टू सेंटर ठीक है एफ आई का मतलब हुआ बार को शो कर रहा है ठीक है क्रॉस बार जो बी वाई डायरेक्शन में जो यूज करेंगे वो 12 एम mm का होगा और स्पेसिंग 200 हंड्रेड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस एल एक्स एल वाई बी एक्स बी वाई आप समझ गए टिपिकल आइसोलेटेड फुटिंग प्लांट्स में जो डायमेंशन जो दिया गया है उसका वैल्यू कहाँ से आएगा अब सेक्शन ड्राइंग में ठीक है सेक्शन ड्राइंग में ये जो बेड है उसका थिकनेस होगा 100 हंड्रेड एम एम डी वन डी टू इसमें सिर्फ आप लोगों को ये समझना है कि रेनफोर्समेंट का यूज कैसे करना है ठीक है सेक्शन ड्राइंग में यहाँ पर देखिए ये जो डोटेड डोट 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 जो दिख रहा है वो वो हमारा है बी एक्स और जो इस शेप में जो दिख रहा है वो हमारा बी वाई ठीक है और जो बेड जो होगा वो पी सी सी कितना वन एच टू फोर एच टू एट के रेशियो में हम पी सी सी कास्टिंग करेंगे ठीक है डी वन डी टू कहाँ से हमें मिलेगा ये हमारे इस इसी टेबल से मिलेगा इसमें डेप देखिए डी वन का वैल्यू फुटिंग एफ वन के लिए थ्री हंड्रेड है और डी टू का वैल्यू फाइव हंड्रेड है ऐसे ही एफ टू के लिए टू फिफ्टी एम एम एंड डी वन के लिए टू फिफ्टी और डी टू के लिए फोर फिफ्टी एफ थ्री के लिए डी वन का वैल्यू टू हंड्रेड एंड एफ थ्री डी टू का वैल्यू फोर हंड्रेड ठीक है यहाँ पर डी वन और जो हॉर्न पोर्शन से लेके ये फुटिंग का जो डेप्थ है वहाँ तक जो डेवेंशन है वो डी टू है ठीक है और ये जो ये हमारा जो है ये पेडेस्टल इसे हम पेडेस्टल कहते हैं ठीक है थीके? अब जो हमारा इस शेप में जो रेनफोर्समेंट जो यूज करना है ये बोथ डायरेक्शन में होगा और ये ये जो रेनफोर्समेंट है वो टेन एम mm का होगा और स्पेसिंग वन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वे कहने का मतलब एक्स डायरेक्शन में भी इसे लगाना है और वाई डायरेक्शन में भी ठीक है एन का मतलब होगा नेचुर नेचुरल ग्राउंड लेवल ये प्लेटफॉर्म लेवल ठीक है नेचुरल ग्राउंड लेवल से प्लेटफॉर्म लेवल तक का जो डिस्टेंस जो होगा वो एज पर आर्किटेक्चर के हिसाब से वो हम देंगे ठीक है ये जो क्रॉस जो रेक्टेंगुलर शेप में जो क्रॉस दिख रहा है ये ग्रेट बीम है ठीक है अब जो भी मैं बताते जा रहा हूँ उसे आप नोट कर लेंगे ताकि कोई डाउट ना रहे आप लोगों को तो ये हमारा सेक्शन ड्राइंग यहीं पे समाप्त होता है अब चलते हैं टिपिकल कॉलम एलिवेशन पे ये जो हमारा ड्राइंग है यहाँ से लेके कर यहाँ तक ये यह टिपिकल कॉलम एलिवेशन है दोस्तों चलिए आप चलते हैं टिपिकल कॉलम एलिवेशन में ठीक है यहाँ से ले कर यहाँ तक का जो कॉलम जो देख रहे हैं वो टिपिकल कोलम एलिवेशन है इसमें बारीकी से समझेंगे कि जो भी दिया गया है वो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए ठीक है चलिए अब शुरुआत करते हैं यहाँ तक तो आपने समझ लिया था सेक्शन ड्राइंग पे ठीक है ये ग्रिड बीम है ये इक्व का मतलब हो गया इक्वल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक जो इक्वल जो होगा ये मिडिल जोन जो है वहाँ से इधर भी इक्वल डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक इक्वल डिस्टेंस होगा ये किस लिए दिया गया ये लेप लेंथ जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हमेशा मिडिल पे ही प्रोवाइड करेंगे जैसे कि इस ड्राइंग में यदि मेरा प्लेटफॉर्म लेवल है और ये फ्लोर है फर्स्ट फ्लोर तो उसका मिडिल जो होगा वहाँ पे हम हाँ लेप लेंथ प्रोवाइड करेंगे ठीक है पहला इम्पोर्टेंट चीज़ दूसरा ए बी ए बी ए ये है क्या चीज़ ये है स्टिरफ जो यूज करेंगे कॉलम में जो टाई जो यूज करेंगे वो ए कहने का मतलब है एट एम एम का रड यूज करेंगे और उसका स्पेसिंग होगा सेवेंटी फाइव एम एम सेंटर टू सेंटर बी कहने का मतलब है एट एम एम का रोड यूज करेंगे और उसका स्पेसिंग होगा वन फिफ्टी एम एम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ठीक है ये स्टिरप का स्पेसिंग कैसे प्रोवाइड करना है वो दर्शाया है ए और बी ठीक है ये इंड जोन में हम छः सौ छः सौ एम तक जो भी हम स्टिरप यूज करेंगे वो हमारा सेवेंटी फाइव एम एम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा ठीक है इंड जोन में और बाकी जो ए बी जो लेंथ है वो हमारा ए बी का स्पेसिंग दिया गया है उसी हिसाब से हम सभी जगह पुट करेंगे लेंग करेंगे ये स्टिरप को ठीक है अब कॉलम में कॉलम में हुक का डिटेल जो है कॉलम में वो कैसे दिया जाता है जो भी हम स्टीरप का जो हुक जो बनाते हैं वो हमेशा टेन डी लिया जाता है ये जो है ये हमारा कोलम बार है जो वर्टिकल जो बार रहता है वो है और ये हुक है हुक को हमेशा टेन डी लिया जाता है ठीक है डी का मतलब डाया बार बात समझ में आ गया यहाँ तक अब चले चलते हैं शेड्यूल ऑफ कॉलम में ठीक है शेड्यूल ऑफ कॉलम क्या कहता है यहाँ पे देख रहे हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमारा एम ट्वेंटी फाइव है और रिंग जो हमारा है रिंग कहने का मतलब स्टिरप जो यूज करेंगे वो ए कॉलम पे जहाँ पे मेंशन है ए वहाँ पे एट एम mm एम का रड यूज करेंगे स्टिरप में और उसका स्पेसिंग होगा सेवनटी फाइव एम एम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ठीक है बी डिस्टेंस जो हमारा कॉलम पे दिया गया है वहाँ पे हम एट एम एम का स्टीरप यूज करेंगे और उसका स्पेसिंग होगा वन फिफ्टी एम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ठीक है ये समझ में आ गया दोनों जो भी स्टीरप स्टीरप जो हम यूज करेंगे रिंग जो यूज करेंगे वो एट एम mm का होगा ठीक है अब देखिए फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर फाउंडेशन टू फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट फ्लोर टू टेरिस ठीक है कंक्रीट कौन सा यूज करना है हमें एम ट्वेंटी फाइव का यहाँ पर देखिए कॉलम नंबर C1, C2, C3, C4 एंड C5 सभी कॉलम का साइज है ये C1 का 300 हंड्रेड इंटू फोर 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 सेम है सभी कॉलम का साइज ठीक है अब बात करते हैं फाउंडेशन टू फर्स्ट फ्लोर में जो साइज़ होगा कॉलम का वो सेम है सी वन से लेके सी तक अब रेनफोर्समेंट यूज कैसे करना है वो यहाँ पे समझेंगे जैसे यहाँ पे 12 डैश ट्वेंटी फाइव दिया गया है ठीक है कहने का मतलब है ट्वेल्व नंबर ऑफ बार जो यूज करेंगे वो कितना 20 एम mm का होगा ठीक है जैसे यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट ट्वेल्व नंबर्स ऑफ जो बार यूज जो हम कर रहे हैं इस कॉलम पे वो हमारा सभी ट्वेंटी एम एम का होगा ठीक है, है? यहाँ भी सेम है फर्स्ट फ्लोर टू टेरिस में ट्वेल्व एम एम ट्वेल्व नंबर्स ऑफ बार जो यूज होगा वो ट्वेंटी एम एम का होगा ठीक है।, है अब यहाँ पे देखिए कॉलम टू में यहाँ पे आठ नंबर्स जो बार है यूज जो होगा वो ट्वेंटी एम एम का होगा और चार नंबर जो बार है वो सिक्सटीन एम एम का होगा जैसे देखिए ट्वेंटी एम एम का आठ बार लगेगा इसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात और एक आठ ठीक है चार नंबर जो बार लगेगा कितने एम mm एम का सिक्सटीन एम एम का वन टू थ्री एंड फोर समझ में आ गया ये कहाँ तक, लगे? तक लगेगा ये ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर तक लगेगा ये फर्स्ट फ्लोर टू टेरिस तक लगभग सेम है ये दोनों सेम है ठीक है अब बात करेंगे सी थ्री का सी थ्री में देखिए यहाँ पे फाउंडेशन टू फर्स्ट फ्लोर में आठ नंबर्स ऑफ बार लगेंगे ट्वेंटी एम mm का और फोर्थ नंबर ऑफ बार लगेंगे सिक्सटीन एम mm का ठीक है इस कॉलम में फर्स्ट फ्लोर टू टेरिस तक जो रेनफोर्समेंट यूज होगा कॉलम टाइप सी थ्री में वो फोर नंबर्स ऑफ बार लगेंगे वो ट्वेंटी एम mm का और एट नंबर्स ऑफ बार लगेंगे कितने एम mm का सिक्सटीन एम mm का इसमें ठीक है जैसे देखिए फोर नंबर्स ऑफ बार लगेंगे ट्वेंटी एम mm का वन टू थ्री फोर ठीक है एट नंबर्स ऑफ बार लगेंगे सिक्सटीन एम एम का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ठीक है ये भी समझ में आ गया अब C4 में चलेंगे C4 कॉलम में हमारा फाउंडेशन टू फर्स्ट फ्लोर तक जो रेनफोर्समेंट जो यूज होगा वो हमारा एट नंबर ऑफ बार होगा कितना ट्वेंटी एम mm का मतलब इस कॉलम में हमारा जो भी रेनफोर्समेंट यूज होगा वो ट्वेंटी एम mm का होगा ठीक है अब सेम इससे ऊपर जब जाएंगे मतलब फर्स्ट फ्लोर से टेरिस तक उसमें हमारा रेनफोर्समेंट डिफरेंट डिफरेंट यूज़ हो रहा है देख रहे हैं यहाँ पे चार नंबर ऑफ बार जो यूज होगा वो ट्वेंटी एम एम का और चार नंबर जो बार होगा वो सिक्सटीन एम एम का मतलब बराबर बराबर संख्या में रेनफोर्समेंट यूज होगा डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ट्वेंटी एम एम का चार होगा सिक्सटीन एम mm एम का चार होगा जैसे देखिए वन टू थ्री फोर ट्वेंटी एम एम का वन टू थ्री फोर सिक्सटीन एम एम का ठीक है अब सी फाइव कॉलम टाइप फाइव में ठीक है इसका कॉलम का साइज तो सेम है रेनफोर्समेंट भी लगभग लगभग दोनों का सेम है आठ नंबर ऑफ बार जो लगेंगे वो ट्वेंटी एम mm का फाउंडेशन टू फर्स्ट फ्लोर तक में और फर्स्ट फ्लोर टू टेरिस में भी एट नंबर ऑफ बार लगेंगे ट्वेंटी एम mm का ठीक है तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और आप बने रहें मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी धन्यवाद